हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कमांड। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड है जो आप इंस्टीट्यूट में तो सीखते हो, इंस्टीट्यूट में सीखते हो, पर अच्छे से उन कमांड्स के बारे में डिस्कस नहीं होता है वहाँ पे, जिससे जब आप कॉरपोरेट में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आप उन कमांड्स के बारे में नहीं जानते रहते हो। आप सब ने ऑटोकैड सीखा है। मैं दो मिनट के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ पर्च कमांड? व्हाट इज द यूज ऑफ पर्च कमांड? पता है क्या आपको? नहीं पता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ डायनेमिक यूसीएस कमांड? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कमांड्स इन ऑटोकैड व्हिच इज वी यूज इन कॉरपोरेट। कॉरपोरेट में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और आपको नहीं पता होता है, वो सारी कमांड्स के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग नॉट ओनली थ्योरेटिकल केवल देखेंगे नहीं, प्रोसेस देखेंगे किस तरह से यूज करते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए अगर नए यूजर हैं आप तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है, दैट कमांड इज पर्च कमांड। आपको नहीं पता होगा पर्च कमांड का यूज़ क्या होता है। दोस्तों, आपने देखी होगी, आप जैसे ऑटोकैड में कोई बड़ी फाइल को ओपन करते हो, बड़ी फाइल ओपन करते हो तो आप देखते हो कि वो फाइल पूरा हैंग करने लगता है आपका लैपटॉप। ऊपर दिखा देता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिखाता है ना, तो वो क्यों दिखाता है? क्योंकि आपकी फाइल में ढेर सारे अनवांटेड फाइल भी आ चुके हैं। जैसे आपने मान लीजिए 10 लेयर बनाया, कितने लेयर बनाया? 10 लेयर्स बनाए, पर आपने एक्चुअल में केवल और केवल 3 लेयर पे काम किया है, तो जो 7 लेयर्स आपकी है ना, वो फाइल को हैवी कर दे रही हैं। आपने ढेर सारे लाइन टाइप्स बनाए, डैश, सेंटर लाइन, बॉर्डर और व्हाटएवर, वो लाइनें अगर आपने देखा तो उनको देखने के बाद आपको पता चला कि उनमें से केवल आपने सेंटर लाइन के यूज किया है, बाकी सारी लाइन टाइप आपकी एक्स्ट्रा हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपके 1 MB की फाइल को 2 MB बना रहे हैं। अगर हम इन अनवांटेड फाइल को डिलीट कर दें तो इजली हमारा लैपटॉप का जो फाइल है वो इजली ओपन होगी। दैट्स व्हाई वी यूज द पर्च कमांड। चलिए देखते हैं किस तरह से पर्च कमांड को यूज करते हैं। दोस्तों, पर्ज मीन्स होता है, अब जो भी हमारे पास अनवांटेड फाइल्स हैं, लाइक अनवांटेड लेयर्स हैं, अनवांटेड लाइन टाइप्स हैं, उनको रिमूव करना। अनवांटेड इन द सेंस, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेके हमने इस तरह बनाया, एक लाइन लेके हमने इस तरह से बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पे जाते हैं बाई लेयर्स पे एंड जस्ट गो देयर इन अदर्स, जानते हो आप लोग अदर्स यहाँ पे जाना पड़ता है एंड देन लोड। सपोज आई टेक द लाइन टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ओके, हमारे पास 6, 7 टाइप्स के लाइन टाइप आ गए एंड देन आई क्लिक हियर ओके। और फिर मैंने क्या किया, इनको सबको सेलेक्ट किया, इनको हमने ये लाइन टाइप लगा दिया। इसके बाद हमने इन सबको सेलेक्ट किया, इनको हमने ये लाइन टाइप लगा दिया। लेकिन अभी इसके बाद भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा टाइप के लाइन टाइप हैं। अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो आपकी फाइल हैवी होती जाएगी और आप जैसे ही लैपटॉप में कोई फाइल खोलते हो, देखते हो आपका लैपटॉप हैंग करने लगता है ऑटोकैड में। तो हैंग करने के कारण ये है कि जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो आपने रिमूव नहीं किया है, तो उसको फाइल को छोटी बनाने के लिए पर्ज कमांड लगती है। यहाँ देखिए पी यू, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे तो तुरंत आपके पास पी यू लिखने पे ये आ जाता है पर्च कमांड और इंटर करिए यहाँ पे। अब ये आपको पूछता है कि आप क्या आपका एक्स्ट्रा है, मीन्स अगर ब्लॉक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे प्लस लिख देगा, बोलता है अगर डायमेंशन एक्स्ट्रा है तो देख लो, ग्रुप एक्स्ट्रा है तो देख लो। आपने बोला नहीं, मुझे तो लाइन टाइप मेरा एक्स्ट्रा है, लेयर भी अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा। तो देखा आपने लाइन टाइप में, ओ देखिए लाइन टाइप में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 लाइन टाइप एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जिनका हमने कोई यूज नहीं किया है, तो ये बोल रहा है आप इनको रिमूव कर दीजिए। इसके लिए जैसे आप पर्ज ऑल पे जाते हो और पर्ज ऑल पे जाके पर्ज ऑल आइटम्स करते हो और क्लोज करते हो,
आप देखोगे कि आपकी लाइन टाइप्स रिमूव हो चुकी हैं। ये देखिए केवल दो टाइप की लाइन टाइप बची हुई है, बाकी सारी क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी फाइल जो है वो छोटी हो गई। 60 KB की अगर फाइल होगी, 60 KB, तो अब कितने की आ गई होगी, 40 KB या 30 KB की आ गई होगी। तो इस तरीके से दोस्तों पर्च कमांड को यूज करते हैं। दोस्तों दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है वो कमांड है ओवर किल। ओवर किल नाम से पता चल रहा है कि अगर डबल लाइन होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, तो उसको डिलीट करने का काम कौन करेगा, ओवर किल करेगा। मींस आपको अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का रूल नहीं पता है तो आपको रूल पता होना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर है तो वो लाइन गलत मानी जाती है, वो ड्राइंग गलत मानी जाती है। इसलिए प्लान को कंप्लीट करने के बाद आप जो भी ओवरलाइन कमांड्स हैं उनको ओवरकिल कर दीजिए। अगर ओवरकिल कर देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा लाइन है वो सब रिमूव हो जाएंगी और आपका प्लान अच्छे से दिखने लगेगा, उसमें केवल सिंगल लाइंस होंगी। चलिए देखते हैं किस तरह से ओवरकिल कमांड को यूज करते हैं। दोस्तों ओवरकिल कमांड मींस ओवरकिल। ओवरकिल मींस एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बना हुआ है। मींस एक लाइन अगर मान लीजिए हमने यहां से क्लिक किया है इस तरह से, फिर यहां गए, फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पर तो क्लिक किया लेकिन यहीं पे फिर से हमने क्लिक कर दिया। अब हमको पता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन है। इस लाइन को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना है, इस लाइन को रिमूव करने के लिए ओ बी लिखना है। ओ बी इज द शॉर्टकट की फॉर ओवरकिल, और इसके बाद इंटर करना है और ये पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा क्या एक्स्ट्रा है, मैंने बोला लाइन टाइप हमारा एक्स्ट्रा है, तो लाइन टाइप अगर लाइन वेट भी एक्स्ट्रा है तो भी आप ले लीजिए और कर दीजिए ओके। और अब देखेंगे आपकी लाइनें अलग अलग हो चुकी हैं, इनके नीचे कोई लाइन नहीं है, सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन है। अगर आप इनको मूव करके देखेंगे तो ये देखिए आप नीचे कोई लाइन नहीं है। मींस कोई भी लाइन ओवरलैप कर रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ओवरकिल कमांड को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ड्राइंग का रूल होता है कि किसी भी लाइन के ऊपर एक डबल लाइन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनको उनके पास अगर 10 सर्किल हैं या कई ढेर सारी लाइनें हैं, या उनको मैंने बोला कि कंटिन्यू लाइन निकाल के मुझे दे दो, तो वो 10 सर्किल को एक एक सर्किल का रेडियस निकालते हैं। हमको पता है आप भी वैसे ही रेडियस निकालते हो। मीन्स अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 10 सर्किल्स हैं, इनके डायमीटर दो मुझे, एक का डायमीटर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, कितना टाइम आपका लॉस होता है। सो इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एक साथ 10 सर्किल के रेडियस, डायमीटर, उनके बीच की लाइन स्पेसिंग जिसको कंटिन्यूअस बोलते हो, तो ऐसी कमांड का नाम है क्विक कमांड। क्विक मतलब फास्ट। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाली कमांड कौन सी है, क्विक कमांड। क्विक कमांड के थ्रू आप 10 सर्किल का एक साथ रेडियस निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्विक कमांड के थ्रू फास्ट रेडियस निकाल सकते हो, फास्ट डायमीटर निकाल सकते हो। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि सर हमको सर्किल है हमारे पास ढेर सारे और उन सर्किल का हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस लगाते टाइम जैसे कि आप लोग यहाँ से क्लिक करते हो और यहाँ से सर्किल दिया हमने, एक सर्किल, सेकंड सर्किल, थर्ड, फोर्थ, और आपने कहा सर मुझे इसका रेडियस निकालना है, तो आप लोग कैसे करते हो, यहाँ पर एनोटेट और यहाँ लीनियर पर जाते होगे और यहाँ से रेडियस लिख के क्लिक करते होगे यहाँ पे, राइट। फिर इसके लिए आप फिर से रेडियस पे जाते होगे और फिर से कर देते होगे। तो इसमें आपका अब कितने हैं, 4 हैं। अगर और होते तो कितना टाइम आपका कंज्यूम होता। तो मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है क्विक। कैसे चलाते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, इसको मत भूलिएगा। देन गो टू क्विक कमांड, राइट क्लिक एंड देर इज अ रेडियस, जस्ट क्लिक ऑन रेडियस एंड यूज लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखें इसका रेडियस आ गया, ध्यान से देखें इसका भी रेडियस आ गया, इसका भी रेडियस आ गया और इसका भी रेडियस आ गया। मींस वन टाइम कितने भी सर्किल हो एक टाइम में आप सबका रेडियस निकाल सकते हो। मींस सपोज आई वांट टू एक्सटेंड मोर रेडियस लाइक सर्किल लाइक दिस, लाइक दिस, जस्ट सेलेक्ट ऑल एंड देन गो टू क्विक कमांड, राइट क्लिक एंड देर इज अ, सपोज दिस टाइम आई वॉन्ट डायमीटर, लास्ट टाइम मैंने रेडियस देखा था, इस टाइम डायमीटर देखते हैं। जैसे डायमीटर लिख के आप यहाँ पर क्लिक करते हो, जैसे 314, 296, 413,
338 मीन्स सबका एक साथ आपको डायमीटर मिल गया। कितना अच्छा है कि अगर आपको एक बार में सब कुछ मिल रहा है, मतलब एक साथ रेडियस आपको करने को मिल रहा है, तो बहुत ही यूजफुल कमांड है क्विक कमांड। क्विक में और भी कई चीज़ें हैं जिसे आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन जस्ट गो टू क्विक कमांड, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर रेडियस, सॉरी फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस, फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस, फ्रॉम हियर टू हियर। इसके बाद होता है स्टेगर, स्टेगर मतलब कपल में डायमेंशन निकालना। चलिए आपको करके दिखाते हैं। कंटिन्यूस मीन्स जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको डिस्टेंस मिल गया फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ मच 415, फ्रॉम हियर टू हियर इज 539, फ्रॉम हियर टू हियर इज नो सॉरी फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 507। तो मतलब इस तरीके से हमने कंटिन्यूस डिस्टेंस निकाल लिया। इसको निकालने के लिए इससे बेस्ट ट्रिक कोई नहीं है। इसके अलावा एक कंटिन्यूस का ऑप्शन आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरा एक वीडियो उसमें डायमेंशन का है ऑटोकैड में, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। जस्ट डिलीट दिस, सपोज आई वॉन्ट क्विक एंड दिस टाइम आई वॉन्ट स्टैगर। स्टैगर बड़ी अच्छी कमांड होती है, कपल में डायमेंशन निकालती है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेडियस दे देगा वो, ये देख दिया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेडियस दे देगा वो, यहाँ पे दे दिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेडियस दे देगा वो, यहाँ पे दे दिया उसने। अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए एक सर्किल कम पड़ रहा है, तो ये हमेशा डबल को ही देता है। तो अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे इसको भी रेडियस दे तो इसको भी डिस्टेंस दे, तो आप एक सर्किल और बढ़ा दीजिए। देखिए अब सबको डायमेंशन देगा, सेलेक्ट क्विक राइट क्लिक स्टेगर, ये देखिए इसको भी दिया, इसको भी, सबको। आप बोलोगे सर इनमें दिख तो रहा नहीं, आप कैसे डायमेंशन लाइव बता रहे हो, तो इसको सबको आपको सेलेक्ट करना है अगर देखना है अच्छे से तो। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कमांड होती है जिसका नाम है एडजस्ट स्पेस। जैसे इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एसेट करेगा, जो कि तब भी आपको प्रॉपर विजिबल नहीं है। अगर आप खुद से इंक्रीज करना चाहते हो तो सेलेक्ट एडजस्ट स्पेस क्लिक, और यहाँ पे सपोज दे दिया हमने 50, इंटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो बहुत ही मज़ेदार कमांड है क्विक कमांड। क्या आपको ऑटो के डायमेंशन बहुत डीप में चाहिए क्या? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, हाँ सर चाहिए, तो मैं आगे कोशिश करूंगा इसको भी प्रोसेस में लाने के लिए। तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब मैं उनको बोलता हूँ कि किसी 3D पर कोई एक 2D ड्रॉ करो, किसी 3D पर कोई एक 2D ड्रॉ करो, तो उनको ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, वो ड्रॉ ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका कोऑर्डिनेट तो चलता रहता है टॉप वाला, और उनको 3D के ऊपर 2D बनाने के लिए बोल दिया गया, जो कि नहीं बनता है। तो अगर आपको किसी 3D के ऊपर कोई 2D स्केच करना है, तो उसके लिए आपको एक कमांड ऑन करके रखना पड़ेगा। दैट कमांड नेम इज डायनेमिक यूसीएस। क्या? डायनेमिक यूसीएस। तो डायनेमिक यूसीएस कमांड यूज करने से आप इजिली किसी 3D के ऊपर कोई भी 2D ड्रॉ कर सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरह से एक 3D के ऊपर 2D ड्रॉ करते हैं। दोस्तों कई लोग 3D बनाते हैं, और 3D ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उनको जैसे वो यहाँ पे बॉक्स सपोज हमने ले लिया एक 3D ऑब्जेक्ट में, जैसे ही बनाते हैं इस तरह से हमने एक बॉक्स ले लिया, और बॉक्स लेने के बाद इसको हमने इस तरह एक्सटेंड कर लिया। जैसे इसके ऊपर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं या कुछ भी ड्रॉ करते हैं, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमने सर्किल तो लिया बट कहीं और बन रहा है सर्किल, राइट? जहाँ हमको चाहिए था वहाँ नहीं बन रहा। देखिए कहाँ बन रहा है सर्किल, ये सर्किल बन रहा है यहाँ पे। आपको इस फेस से मान लीजिए सर्कल चाहिए, देखिए बन कहीं और रहा है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी हमारा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लिए है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डायनेमिक यूसीएस कमांड को ऑन कर दिया, इसको डायनेमिक यूसीएस बोलते हैं, अगर आपके लैपटॉप में ऑन नहीं है कंप्यूटर में, तो यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से ऑन कर लीजिएगा डायनेमिक यूसीएस। और इसको जैसे ही ऑन करेंगे, अब ये कहीं पे भी कोऑर्डिनेट ले सकता है। मीन्स अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो ये इजिली ड्रॉ कर देंगे, अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो इजिली यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स बहुत ही बेहतरीन, कहीं पे भी आप किसी भी सरफेस पे कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? इसके बहुत फायदे हैं। क्यों? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रिमूव करना है ऑब्जेक्ट को, तो आपने प्रेस पुल कमांड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसके लिए भी मैंने ऑटोकैड 3D का पूरा वीडियो बनाया है। प्रेस पुल पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करके इसको जाइए रिमूव करिए ऐसे, और ये देखिए हमने जैसे रिमूव किया, देखिए क्या हो गया, वो फॉलो हो गया। अब ये सर्किल कमांड नहीं बनता तो कैसे करते हम लोग? यहाँ से हमको रिमूव करना है, ये गए और यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब क्या हम रिमूव नहीं करते? मान लीजिए हमको ऐड करना ऑब्जेक्ट, तो कैसे ऐड करते? यहाँ से इजिली हम ऐड कर सकते हैं ना,
ये देखिए इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं इस कमांड को। होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से डायनेमिक यूसेज कमांड को यूज करते हैं। दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास प्लान होता है, जब उनको उनको बोलता हूँ कि इसका सेक्शन और एलिवेशन बनाओ, या आप खुद भी देखते होगे सेक्शन और एलिवेशन बनाते होगे। अगर आप कॉरपोरेट में हो तो आपको तो पता है कि आप जल्दी से लाइन ट्रेस कर लेते हो और फटाफट बना लेते हो, पर मैंने बच्चों को देखा जो अभी भी ऑटोकैड सीखे हैं या ऑटोकैड सीख रहे हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि वो लाइन खींच खींच के सेक्शन एलिवेशन ड्रॉ करते रहते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। आप फास्ट कैसे सेक्शन एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को यूज करो, और कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को यूज करके इजिली किसी भी लाइन किसी भी प्लान का सेक्शन और एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों ये कमांड बहुत ही इजी एक्सेस करने में, अगर आप इस क्लिप को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सेक्शन और एलिवेशन को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सेक्शन और एलिवेशन को बनाते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड के थ्रू। इसका शॉर्टकट की होता है एक्सेल इंटर। शॉर्टकट की याद करने का एक फायदा होता है दोस्तों, आप इजिली फास्ट काम को कर सकते हो। देखो ऑटोकैड सीखने का मतलब क्या है, ऑटोकैड सीखने का मतलब है काम को फास्ट करना। सॉफ्टवेयर हम सीख क्यों रहे थे, सॉफ्टवेयर इसीलिए सीख रहे थे ना कि हमारा जो प्लानिंग हम एक दिन में लाइन से खींचते थे, पूरा दिन चला जाता था एक प्लानिंग के लिए, लाइन से डायग्राम ड्रॉ करते थे ना, मैंने भी ड्रॉ किया है कॉलेज में, उसमें बहुत टाइम जाता था। लेकिन ऑटोकैड से क्या होता है, आपका काम फास्ट हो जाता है। तो इसी को हम देखेंगे किस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को यूज करके काम को फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करते टाइम उसके बाद जैसे सेक्शन एलिवेशन उसका बनाते हैं, तो उसके लिए वो लोग जैसे कि अगर उनका मान लीजिए एक प्लानिंग, यहाँ पे हमने प्लान नहीं बनाया अभी, तो वो लोग इसका अगर एलिवेशन निकालना तो वो ऐसे यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और ऐसे जाते हैं, और ऐसे एक लाइन खींचते हैं वैसे जाते हैं। अब अगर बहुत बड़ा प्लान है तो लाइन खींचते खींचते वो लोग थक जाएंगे, कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी। पर अगर आपको एक्सेल लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन पता है आपको, जिसका शॉर्टकट की है एक्सएल, तो आप इजली इस काम को बहुत फास्ट कर सकते हो। तो जो कैसे यूज करेंगे इसको, कई लोगों को ये पता भी होगा, यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सेल इंटर कर दो, इंटर, और राइट क्लिक करो तो ये पूछता है कि हॉरिजॉन्टल पे इनफाइनाइट चलिए एक लाइन चाहिए कि लाइक वर्टिकल में, ये इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करता है। तो जैसे हमने कहा हॉरिजॉन्टल में, ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में इनफाइनाइट लाइन खींच दिया इसने। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए कोई अंत नहीं इस लाइन का। और फिर से अगर हम यहाँ से गए और अगर हमने यहाँ से लिया कंस्ट्रक्शन लाइन और राइट क्लिक किया और अगर हमने वर्टिकल कर दिया, तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये देखिए। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन पे फिर से गए और यहाँ पे हमने एंगल ले लिया, तो ये एंगल पे भी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने एंगल दे दिया इसको 60 का, ये देखिए यहाँ से 60 के एंगल पे ये लाइन खींचता चला जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे फिर से गए और राइट क्लिक किया हमने कंस्ट्रक्शन लाइन पे, और यहाँ पे हमने ले लिया बाईसेक्ट। बाईसेक्ट मीन्स होता है डिवीजन ऑफ टू लाइंस। बाईसेक्ट लिया, मान लीजिए इनके इन दोनों की मिडिल की लाइन खींचनी है हमको, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, राइट क्लिक, ये देखिए आपने मिडिल में लाइन खींच दिया ना 45 पे इजिली, ठीक है। आप एंगल भी निकाल के चेक कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 45 नहीं है तो, और यहाँ पे आपके पास एंगुलर होगा, एंगुलर लीजिए और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, अच्छा सॉरी, देखिए क्यों नहीं खींच रहा है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये इनफाइनाइट लाइन है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ तक खींचना है। तो मान लीजिए आपको एंगल किसी ने देने लिंक बोल ही दिया, तो आप ऐसे एक लाइन खींचिएगा और जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उनको रिमूव कर दीजिएगा। ज़्यादा कैसे रिमूव करेंगे, देखिए ये लिया ट्रिम, ये अब ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी इसके नहीं, अभी नहीं, अभी भी इसके यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस है। ट्रिम राइट क्लिक और इसको रिमूव कर दिया, अब अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं एंगुलर फर्स्ट सेकेंड, ये देखिए आ गया ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 45 के एंगल पे है। क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कितना दूर का एंगल है ये, ठीक है। तो हमने इस तरह से अब सारे को रिमूव कर दिया। तो होप आपको कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड समझ में आ गया होगा। दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो किसी कोई डायग्राम में उनको देता हूँ कि इनको बनाना है, या आप वो कंपनी में जाते हो और वहाँ पे इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आपको कैड राउंड में एक इमेज दे देते हैं, बोलते हैं इसको देख के आप
एक डायग्राम बनाओ, एक प्लान बनाओ, तो आप क्या करते हो, एक बार मिनिमाइज करके डायग्राम को देखते हो, फिर आप वो बनाते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। अगर हम उस डायग्राम को इंपोर्ट कर लें ऑटोकैड में और इंपोर्ट करके देख के फटाफट बनाते चले जाएं, कितनी अच्छे से और कितना फास्ट काम हो जाएगा। उस कमांड का नाम है एक्सरेफ कमांड। क्या नाम है? एक्सरेफ। एक्सरेफ कमांड क्या करता है, किसी भी जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ फाइल को अटैच करने का काम करता है। क्या करता है? अटैच करने का काम करता है। तो एक्सरेफ कमांड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इजिली समझ सकेंगे कि किस तरह से आप फास्ट काम को कर सकते हो। और अगर आपके पास प्लान का जेपीजी है तो डायरेक्ट इंपोर्ट करके उसके ऊपर ही लाइन ट्रेस करके आप इजिली उसी पीडीएफ से, उसी जेपीजी से प्लान भी ड्रॉ कर सकते हो उसी के ऊपर खींच के। चलिए देखते हैं किस तरह से एक्सरेफ कमांड को यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई एक पीडीएफ है और या कोई जेपीजी फाइल है, उसको अगर हम लोग अटैच करना है, तो बहुत ही इजिली आप यहाँ पे एक्सरेफ लिखिए और लिख के यहाँ पे कनेक्ट करिए। एक्सरेफ कमांड से एक तो जेपीजी या पीडीएफ या ये सब फाइलें तो अटैच कर ही सकते हो, साथ ही एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप में सर्वर कनेक्शन है तो यहाँ पे आपको इजली सर्वर कनेक्शन कर सकते हो यहाँ से। लेकिन अभी मेरे पास कोई सर्वर कनेक्शन नहीं है, सो मैं आपको नहीं दिखा सकता। अभी सिर्फ मैं आपको इसमें अटैच कर सकता हूँ फाइल को। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है तो इसे क्या क्या करते हैं, तो आप इसको बोलिए कि सर हम लोग इसमें अटैच कर सकते हैं फाइलों को, साथ ही एक पीसी को दूसरे पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक जेपीजी है, तो जेपीजी के लिए दोस्तों अटैच जेपीजी करिए आप यहाँ पे। अगर पीडीएफ है तो आपने देखा वहाँ पे सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे जाके हमने एक यहाँ से फाइल उठा ली और ये करने के बाद ओपन किया और ओके किया और हमने इसको यहाँ पे रख दिया। दोस्तों नॉट ओनली जेपीजी, आप चाहें तो DWG, DWF, DGN, PDF, क्लाउड्स, ये सारी फाइलें अगर मिक्स हैं उनको भी ले सकते हो। मीन्स हर तरह के फाइलों को अटैच करने का सिर्फ एक अच्छा तरीका है, वो है ये। दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ पे आ गया 3 meter, मीन्स आप यहाँ से जाना है आपको और यहाँ पे 3 meter आपको करना है, ठीक है। अभी 3 meter मतलब मीटर में आपको अपने यूनिट को कर लेना चाहिए। देख लीजिए आपका यूनिट किस में है, इंचेस में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर्स एंड ओके। और इसके बाद हमने यहाँ से 3 meter, अब देखिए हमारा 3 meter बहुत ही छोटा पड़ रहा है कंपेयर टू लाइक ये 3 meter है और ये फाइल कितनी बड़ी है। तो आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके होम बटन पे जाइए और यहाँ से स्केल का मान लीजिए 0, यहाँ पे लिखिए स्केल, बेस पॉइंट दे दिया 0.005, एंटर। ये देखिए आपकी फाइल यहाँ आ गई, ठीक है। अब आप इजिली इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए 3, ऊपर देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर भी 3 meter का ही है, 3 meter। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर 3 meter और 3 meter, इस तरीके से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो क्या, मीन्स इधर से डायमेंशन देखा और इधर प्लानिंग कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा एक और मैं तरीका आपको बताना चाहूँगा, इसके दो पार्ट कर दीजिए अपने ऑटोकैड के। कैसे, यहाँ व्यू पे जाइए और व्यू पे जाके यहाँ पे जाके आप 2 कर दीजिए। अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो ये ले लीजिए और 3 करना है तो ये कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर 2 पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए क्या होता है। मैं ऐसे ही प्लानिंग करता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से मैं प्लान को ओपन कर लेता हूँ, जो भी हमारा प्लान अगर हमारे पास है रेफरेंस के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्लानिंग ड्रॉ करता हूँ। देखिए उधर से डायमेंशन देखा, इधर ड्रॉ किया, फिर आगे की ओर भी 3 जाना है, हमने 3 आगे की ओर चले गए, फिर ऊपर की ओर 3 जाना है, ऊपर की ओर 3 चले गए। मीन्स आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे कि एक फॉर्मेट में हम पीडीएफ लगा दें देखने के लिए। आप चाहो तो इसके इमेज को यहाँ से भी छोटा बिगाड़ कर भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो अपने मेन स्क्रीन को बड़ा कर लिया, छोटे स्क्रीन को ऐसा कर दिया, और जब आपका काम हो गया तो आप फिर से व्यू पे जाइए और यहाँ पे सिंगल कर दीजिए। देखिए फिर से आ गया हमारा फॉर्मेट इस तरह से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी टाइम जा रहा है, हाँ जी, अगर इससे भी शॉर्ट टाइम करना है वो भी मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, चलिए देखते हैं। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होता है स्केल कमांड, राइट। स्केल कमांड लेने के बाद आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए जहाँ पे आपका एक पहली लाइन है, देखिए यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रेफरेंस कमांड लीजिए। फिर इसको बताइए कि हम
यहां से लेके यहां तक की लाइन को 3 मीटर बनाना चाहते हैं। क्लिक कर दिया हमने, हमने क्या किया, इसको पॉइंट दिया, फिर इसको पॉइंट दिया, और फिर उसके बाद हमने लिखा 3। जैसे आप 3 लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए इसने खुद से 3 में कन्वर्ट कर दिया आपके लाइन को। जैसे आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे, ये देखिए आपकी लाइन को इसने 3 में कन्वर्ट कर दिया 3। ये देखिए आ गया ना आपका लाइन। अगर आप इसको हटा के देखना चाहें तो इसको रिमूव कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, मूव, ये देखिए हो गया ना आपका 3 मीटर का। मीन्स आप प्लान के ऊपर भी लाइन खींच के अपनी प्लानिंग को कर सकते हो, अगर आपका प्लान प्रॉपर विजुअल है पीडीएफ या जेपीजी में तो। ठीक है, तो दोस्तों ये कमांड भी आपके लिए आपको काफी अच्छी लगी होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। उनको मैं बोलता हूं कि मुझे 30 के एंगल पे लाइन चाहिए या 45 के एंगल पे लाइन चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से 30 के एंगल पे या 45 के एंगल पे बार बार खींचू। क्यों? क्योंकि वो टैब बटन या कॉमा बटन दाब के बार बार एंगल लेते हैं। लेकिन उनको मैं बोलूं कि 30, 60, 90 इसी पे ही करना है, तो उनको समस्या हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें किस तरह से 30, 60, 90 पे आपको लाइन को ड्रॉ करनी चाहिए, वो हम लोग अगर पोलर ट्रैकिंग कमांड हमको पता है तो इजिली हम लोग देख के कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से पोलर ट्रैकिंग कमांड के थ्रू उसको कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि आप एक 30 एंगल पे लाइन खींचिए, यहाँ से जाइए और यहाँ पे फिर ऊपर जाइए 30 के एंगल पे, आप खींच नहीं पा रहे हो 30 के एंगल पे। अगर हमने ऑर्थो को ऑफ कर दिया तो आप तो भी नहीं खींच पा रहे हो, राइट। लेकिन अगर मैंने आपको पोलर ट्रैकिंग पढ़ा दिया है और आपको पोलर ट्रैकिंग के बारे में पता है, तो आप इजिली जैसे ही आप जाएंगे, देखिए 0 इन्होंने सेट किया होगा अपना लाइन का एंगल, शायद इनका एंगल 60 पे है क्या। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये जो सेट हुआ है ये 90, 180, 270, 360 पे सेट हुआ है। अगर आपने आप कर दिया 30, ये देखिए 30 पे आ गया लाइन, कितना मज़ेदार काम है ना ये। देखिए यहाँ से गए 30, आप 30 की बताएगा ये 60 पे, ये देखिए 60, 90, अब इसके बाद ये देखिए 150, इसके बाद 180 पे होगा शायद, 180। मीन्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पोलर ट्रैकिंग को ऑन रखिए, आपका सारा काम। आपको 5 के एंगल पे जाना है, 5, 10, 15, 20, ये देखिए लाइन खींचे यहाँ से, जैसे आप स्टार्ट करेंगे देखिए 5 पे आ गए, 10 पे आ गए, 15, 20, कितना मज़ेदार है। 5, 5 के मल्टीपल पे आप लाइन खींच सकते हो, जहाँ पे भी खींचना खींच दो, कोई रोक नहीं रहा आपको। तो बहुत ही बेहतरीन काम हो जाता है अगर आपने पोलर ट्रैकिंग ऑन किया है। इस टाइम पे एक चीज़ होगा कि अगर आपने पोलर ट्रैकिंग ऑन किया है तो अपने आप ऑर्थो बंद हो जाएगा, अगर ऑर्थो ऑन किया है तो पोलर ट्रैकिंग बंद हो जाएगा। इससे फिर से हमने ऑर्थो ऑन किया तो मतलब एक ही ऑन रहेगा दोनों में से, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से पोलर ट्रैकिंग कमांड को यूज करते हैं। दोस्तों आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को एक लेयर पे बनाया है, वॉल लेयर या डोर लेयर पे बनाया है, और मैंने बोला कि एक दूसरा डायग्राम बनाओ, और वॉल लेयर पे आपने डोर बना दिया है, आप फिर आपको मैंने बोला कि आप डोर को लेके जाओ उस लेयर पे, तो आप सेलेक्ट करते हो फिर उस लेयर को खोलते हो, बहुत टाइम चला जाता है। बट अगर आपको मैच प्रॉपर्टी अगर आती है, मैच प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, अगर मैच प्रॉपर्टी आपको आती है तो इजिली आप उस लेयर की ऑब्जेक्ट को उस लेयर पे भेज सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरह से उस लेयर के ऑब्जेक्ट को उस लेयर पे भेज सकते हैं मैच प्रॉपर्टी के थ्रू। दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे मान लीजिए हमने कई इंटरव्यू में जाते हो, तो यहाँ पे उनके पास क्या होता है, सेलेक्ट किया एक ऑब्जेक्ट और इनका ये ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे लेयर पे है। मान लीजिए अभी मैंने लेयर की जगह पे कलर दे दिया रेड कलर पे, और फिर हमने दूसरा लाइन ड्रॉ किया ऐसे, हम चाहते हैं ये लाइन भी इसी लेयर पर चली जाए या इसी कलर का हो जाए, कॉपी करना चाहते हैं दूसरों को, तो उसके लिए यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, या डायरेक्ट आप EMA लिख दीजिए आ जाएगा। पहले उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए जैसे आप चाहते हैं, उसके बाद जिसको चाहते हैं, ये देखें बहुत ही इजी ढंग से आप लाइन प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी कमांड है, तो ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। तो आपने एक डायमेंशन स्टाइल बनाया और वो डायमेंशन स्टाइल आप फिर एक दूसरी डायमेंशन स्टाइल बनाए, मान लीजिए एक मैंने स्ट्रक्चरल टिक का बनाया था, एक मैंने बनाया आर्किटेक्चर टिक का,
और अब मैं क्या चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर टिक को हमने स्ट्रक्चर टिक में भेजना है, या हमारा जो एक कलर का डायमेंशन था वो डायमेंशन स्टाइल था उसका रेड कलर था और दूसरे का है वाइट, मैं वाइट को भी रेड करना चाहता हूँ, मीन्स एक मॉडिफिकेशन को दूसरे मॉडिफिकेशन पे थोपना चाहता हूँ, तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं? अपडेट कमांड के थ्रू बहुत ईजिली आप नई डायमेंशन स्टाइल पे पुरानी डायमेंशन स्टाइल को कन्वर्ट कर सकते हो, या पुरानी डायमेंशन स्टाइल को नई डायमेंशन स्टाइल पर कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ एक कमांड के थ्रू, जिस कमांड का नाम है अपडेट कमांड, जो कि डायमेंशन एनोटेशन जो होता है आपका उस पे ये कमांड होती है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अगर यहाँ पे गए एनोटेट पे गए, अब देखिए डायमेंशन स्टाइल आपको बनाना शायद नहीं आता होगा, हमारे पास देखिए एक प्रॉपर डायमेंशन स्टाइल है, हमने एक और डायमेंशन स्टाइल बनाया यहाँ पे न्यू करके, जिसका नाम आपने कुछ भी रख दीजिए, एक्स वाई जेड रख दिया हमने, रेड कलर कर दिया हमने इसका, जो भी आपको चेंज करना है इसमें, ठीक है। मान लीजिए इसके जो टिक्स हैं एरो एंड रो, आप जाके पूरा मेरा ऑटो के डायमेंशन का पूरा क्लास है, सो प्लीज अच्छे से देख लीजिए तो आपको पूरा आ जाएगा समझ में। और इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है, और सेट करेंट कर दिया। अब देखिए पहले तो हमने स्टैंडर्ड लिया और स्टैंडर्ड लेके हमने एक डायमेंशन स्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दिया था ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक फिर हमको याद आया कि हम एक और खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, हम चाहते हैं जो ये वाली डायमेंशन स्टाइल है ये हमारे नए वाले रूल को फॉलो करे, मीन्स इसको फॉलो करें एक्स वाई जेड को। तो आप लोग कैसे, तो यहाँ पे होती है एक अपडेट नाम की कमांड, कहाँ गया यार, ये है अपडेट नाम की कमांड, जैसे इस पर क्लिक करिए और क्लिक करके जिस डायमेंशन को आप नए डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और फिर राइट क्लिक या एंटर कर दीजिए। ये देखिए इसका टिक बदल गया, इसका कलर बदल गया, देखिए टिक क्या हो गया, आर्किटेक्चर टिक हो गया, इसका अलग टिक है, मीन्स नए डायमेंशन स्टाइल में आप अपडेट के थ्रू अपडेट कर सकते हो। क्योंकि जब आप कॉरपोरेट में जाओगे तो वहाँ पर 10 से 15 डायमेंशन स्टाइल आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पे आर्किटेक्चर टिक दिखाना होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक का, कहीं पे प्लंबिंग का, तो अलग अलग टाइप के डायमेंशन स्टाइल आपको रखने पड़ते हैं। मैं वीडियो में आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड, जिसके थ्रू आप पूरे प्लान में कितनी लाइंस थी, कितने रेक्टेंगल थे, कितने बेड आपने लगाए हैं, कितना आपने उसमें स्टेयर लगाया हुआ है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का कितना साइज है, उस ड्राइंग को किस डेट को आपने कंप्लीट किया है, ये सारी चीजें आप पूरी डिटेलिंग निकाल सकते हो, जिसको आप बोलते हो ड्राइंग का BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो ये एक कमांड के थ्रू पॉसिबल है, जिससे आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो। दैट कमांड नेम इज डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड। डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड से आप प्रॉपर एक एक ड्राइंग का एस्टिमेशन निकाल सकते हो, उसमें क्या लाइन थी, कितने बजे कंप्लीट किया, किसने कंप्लीट किया, ड्राइंग को दोबारा रिवाइज कब किया, ये सारी होल डिटेलिंग आप डाटा एक्सट्रैक्शन के अंदर देख सकते हो। दोस्तों आपके पास एक यहाँ पे सपोज एक प्लान है, ठीक है, और उस प्लान में कुछ हमने कमरे कट कर दिए इस तरह से, पोलर ट्रैकिंग को ऑफ कर दीजिए क्योंकि अभी आपका उसका जरूरत नहीं है, इस तरह से हमने इसको कर दिया कुछ इस तरह से, इसमें कुछ ऐसे डाइनिंग टेबल वगैरह लगा दिया हमने। अगर आपको अच्छे से लगाना है तो व्यू पे जाइए, यहाँ पे डिजाइन सेंटर पे जाइए, DC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काफ़ी टिक्स मिल जाएंगे, मैंने बताया है ENUS डिजाइन सेंटर। एक ब्लॉग पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था हाउस डिजाइनर ब्लॉग, और यहाँ से सपोज हमने एक ले लिया ब्लॉग, स्टेयर केस का उठा लिया, बाथटब उठा लिया, इसको उठा लिया, जस्ट कुछ ऐसा नहीं, कुछ है हम सिर्फ ऐसे उठा रहे हैं आपको कुछ स्पेशल बताने के लिए। इसको लिया, इसको लेकर हमने यहाँ से मूव करके आ सकते हैं, वो दोनों कहाँ गए, गायब ही हो गए, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब मुझे इसका डिटेल निकालना है कि इसमें कितनी लाइनें हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और किस डेट को बनाया था, किसने बनाया था, ये सारी जिसको हिस्ट्री बोल सकते हो आप, जिसको BOQ बोल सकते हो आप, वो निकालना है। तो उसके लिए आपके पास कमांड है डाटा एक्सट्रैक्शन, ये देखिए खुद ही आ गया, वो डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड आएगा और इस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ी सी हैवी कमांड है, वेट करिएगा, ये बोलता है फाइल को सेव कर लीजिए,
सेव पे गया मैं और डेस्कटॉप पे ही रखा जिसे आपको दिखाने में जी रहे। के आई रख दिया इसका फाइल का नाम और सेव कर दिया और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे तो तुरंत ही आपके पास डाटा एक्सट्रैक्शन का फाइल खुल जाएगा। इसमें आप नेक्स्ट करिएगा और ये बोलता है कि आप फाइल सेव करिए। फिर से हमने रख दिया एच ई ओ और इसको हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट पे गए। बहुत ध्यान से स्टेप देखिए, कई लोगों को नाम पता होता है बट कैसे करना है नहीं पता होता। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या था। आर्क था क्योंकि बाथ टब वगैरह हमने लगाए थे, सर्किल था, ये था, अगर जो नहीं है ये, अच्छा ये था, अगर आपको रखना है जो जो का डिटेलिंग निकालना है वो इतनी है ऑब्जेक्ट, अगर आपको रखना है तो रखो नहीं तो ऑफ कर सकते हो, इसको ऑफ करना है ऑफ कर दो, ऑन करना है ऑन कर दो, इतना आपके पास ऑब्जेक्ट है इस पूरे के पूरे प्लान में। देन आप नेक्स्ट कर दीजिए। आपको इनका क्या चाहिए, इनके एंगल चाहिए नहीं, एरिया चाहिए हाँ, ऑर्थर चाहिए नहीं, ब्लॉक यूनिट हाँ, सेंटर नहीं, जो जो नहीं चाहिए उनको रिमूव कर दो, जो चाहिए कलर की जरूरत नहीं है, कमेंट की जरूरत नहीं है, डेल्टा की जरूरत नहीं है, जो हमें चाहिए उतना ही रखना है, जो नहीं चाहिए उनको रिमूव कर दो क्योंकि बहुत बड़ी फाइल बना देता है ये। देखो फाइल लोकेशन आपको रखना है, फाइल कौन क्रिएट किया रखना है, जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए मत रखो, लेयर्स लेंथ रख दो, यहाँ पे पोजीशन रखने की ज़रूरत नहीं है, प्लॉट स्टाइल भी नहीं चाहिए हमको, रेडियस भी नहीं चाहिए, स्केलिंग भी नहीं चाहिए, स्टार्ट एंगल ये सब नहीं चाहिए हमको, हमने ऑफ कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ी फाइल बन जाती है। चलो अब इसके बाद भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ी फाइल बनने वाली है और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इस पर। तो ये देखिए फाइल इतनी बड़ी बन गई है और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपको अगर इसको चाहिए कि वर्ड फाइल में, सॉरी आपके पास एक्सेल फाइल में ही बन जाए और साथ ही साथ एक टेबल यहाँ पे भी आ जाए, दोनों पे क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नाम देना है, जैसे हमने नाम दे दिया साइज, तो दे सकते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिनिश, फिनिश, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। और फिर जहाँ पर रखना है यहाँ पर रखना है, हमने रख दिया यहाँ पे और फिर इसके पास जाएंगे तो देखेंगे आपके पास। देखिए मैंने क्या बोला था कि आप जितना छोटा हो सके फाइल को छोटा करिएगा, अभी देखिए छोटा करने पे इतना आ रहा है। देखिए जितनी लाइनें थी, ठीक है, देखिए आर्क था, आर्क का लाइन एरिया बता दिया, पॉली लाइन जैसे ही दिया तो पॉली लाइन का एरिया कैलकुलेट कर दिया, आर्क का लाइन कर दिया, सर्किल का कर दिया और इनको हमने रिवीजन किया क्या, दोबारा लाइन में कोई चेंजिंग करेंगे ड्राइंग में तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। कब फाइल एक्सेस किया हमने, लाइक आज के ही डेट पे ही एक्सेस किया था तो 7:45 पे हमने वीडियो बनाया था तो उस पर ही है। क्रिएट किसने किया, हमने किया, कौन एडमिन, कहाँ पे फाइल को सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया है, मॉडिफाई कब किया, मॉडिफाई किया नहीं तो वही फाइल वही आ गई, फाइल का नाम क्या था, फाइल का साइज क्या था, लेंथ क्या था, लाइन टाइप क्या था, लाइन स्केल क्या था, मटेरियल क्या था, थिकनेस क्या थी, थिकनेस हमने दिया नहीं था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं BOQ ऑफ द ड्राइंग्स, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। ये मैंने नया कुछ अपडेट किया है खुद को कि मैं आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बताता जाऊं जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। जितने भी लोग व्यूज देख रहे हैं यहाँ तक देखा है यार, अगर आप कमेंट नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो, सोचो मैं इतना मेहनत करता हूँ आप भी थोड़ा सा कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी क्वेरीज डालते हैं कि सर मुझे ये बताइएगा, किसी ने बोला सर फुटिंग के बारे में बताइएगा, किसी ने बोला प्लान में मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ, किसी ने बोला मैं बिल्डिंग बाय लॉ में कन्फ्यूज़ होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि एक एक कमांड एक एक को प्रॉपर मैं कंप्लीट करता जाऊँ। कई लोगों ने मुझे बोला कि स्टैड और रिटैब में से क्या करूँ, ये सारे मैं एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ और एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, आपको डेली हमारा एक वीडियो मिलता है और कोशिश यही है कि डेली मैं एक और वीडियो डालूँ, लेकिन अभी हम लोग एक एक वीडियो ही करेंगे और आगे हम लोग और भी नए नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे कि मैं ETFs पे कुछ वीडियो लाने वाला हूँ, 3ds Max पे लाने वाला हूँ, टेगला पे लाने वाला हूँ, जिनका मैं काम स्टार्ट किया हूँ। संडे को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कवर कर सकूँ। आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो उसको फैला दो यार,
एक बार फैला दो, मेरे लिए फैला दो, जिससे कि मैं सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के ला सकूँ, मैं इस पे टाइम दे सकूँ, जिससे कि जो मेरा टाइम कंज्यूम दूसरे जगह पर होता है उसको मैं यहाँ पे ला सकूँ और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत।